योगी आदित्यनाथ अपने 2.0 कैबिनेट का शपथ ग्रहण के बाद गरीब कल्याण योजना के लिए निशुल्क राशन वितरण का ऐलान किया। 3 महीने के लिए इसे पहले ऐलान किया गया, देश भर में 6 महीने तक इसे बढ़ा देने का फैसला लिया गया। भाजपा की तरफ से इसकी काफी तारीफ की गई। स्वतंत्र देव सिंह ने इस पर आयोजना की बात की। अपर्णा यादव बाकी बीजेपी मंत्री भी खुश नजर आए, जनता भी खुश नजर आई। इसके बाद स्वच्छता के विभाग में, जी हाँ स्वास्थ्य के विभाग में, सेहत के विभाग में, अस्पतालों में सरकार द्वारा कई तरह के बदलाव करने का फैसला लिया गया। अपर्णा ने भी इस पर खुद से ही जाकर वहां पर चेक करने का फैसला लिया। ये सब देखकर कहीं ना कहीं सीएम योगी का दबदबा जो बढ़ा है, प्राइम को लेकर जो एक्शन मोड में है बुलडोजर बाबा के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखकर स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने अमेठी में कांग्रेस को करारा जवाब दिया लोकसभा चुनाव में, पहली हार और दूसरी बार चुनाव में जीत के बाद, वो भी अपनी तरफ से एक्शन मोड में है। एक्शन मोड में उन्होंने कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेता को करारा जवाब दिया। बड़ी खुशखबरी भी उन्होंने दी है। क्या है वो खुशखबरी, आज मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति हमारे चैनल के थ्रू आपको बताऊंगी। तो देखिए जरा कैसे एक्टिव हो गई है स्मृति ईरानी, देखिए रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद देखा जाए तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा खुश है। और आप जानते ही हैं कि किस तरह से उन्होंने इस खुशी को जाहिर किया। खैर यहां आपको बताना चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री ने बड़ा सवाल जब खड़ा किया, महिला सांसद को महिला नहीं किया जा सकता, इस तरह के सवाल खड़े की उन्होंने, आखिर एक महिला सांसद को क्यों महिला संबोधित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस तरह के सवाल उठाए थे। कांग्रेस और टीएमसी सदस्यों की सलाह पर आपत्ति जताती हुई स्मृति ईरानी भड़की थी। जी हाँ, एक महिला सांसद को क्यों महिला संबोधित नहीं किया जा सकता। स्मृति ईरानी को बीजेपी सदस्य अनुभव मोहंती का साथ मिला था, ये तो आप जानते ही हैं। खैर आपको बताना चाहेंगे, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने जब प्रश्नकाल के दौरान आपत्ति जताई तो उस पर स्मृति ईरानी काफी भड़की और उन्होंने कहा सदस्य को, गीता विश्वनाथ को गर्व के साथ महिला सांसद के रूप में वो देखती है। बीजू जनता दल के सदस्य अनुभव मोहंती ने भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का समर्थन किया था। बड़ी खुशखबरी आई स्मृति ईरानी के लिए। जी हाँ, स्मृति ईरानी को लेकर बड़ी गुड न्यूज तो ये आई कि उन्हें समर्थन मिलने लगा है। और ऐसे में आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से स्मृति ईरानी की दहाड़ ने कांग्रेस को चौंका कर रख दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा वह असंसदीय नहीं है, एक महिला संसदीय को महिला कहना गलत नहीं है। जी हाँ, और इसी पर चर्चा जोरों शोरों से। राज्यसभा में सदस्यों ने शुक्रवार को विशेष उल्लेख के जरिए उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने और MBBS की पढ़ाई के लिए सीटें बढ़ाने से लेकर गरीब बच्चों को पढ़ाई के मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने की मांग उठाई थी, जिस पर सरकार से इनके समुचित समाधान का आह्वान किया गया था। अब इस बारे में आपको बताना चाहेंगे तो स्मृति ईरानी ने इस पर भी अपनी तरफ से राय पेश की है। खैर यहाँ हम आप सबको बताना चाहेंगे, हमारे रिपोर्ट में स्मृति ईरानी लगातार जो है अपनी तरफ से अपने काम से तारीफों में है। आश्चर्य जताती हुई स्मृति ईरानी नजर आई थी जब महिला सांसद को लेकर पीएमसी और कांग्रेस में अपनी सलाह दी थी और स्मृति ईरानी का गुस्सा निकल आया था। खैर स्मृति ईरानी पंजाब ने हाल ही में क्या बैठी, पंजाब की चंडीगढ़ में क्या कह बैठी थी, इस पर भी बात करेंगे। तीन योजनाओं की समीक्षा करने को लेकर ऐलान स्मृति ईरानी ने किया है। जी हाँ, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी योजनाओं को लेकर तारीफों में है, जिस तरह से वो क्राइम के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात कहकर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में स्मृति ईरानी ने और भी कई बातें शेयर की है। स्मृति ईरानी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसलों को देखकर क्राइम पर बुलडोजर चलाने की बात, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात, मुख्तार अंसारी अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल है जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ स्ट्रिक्ट नजर आए,
गरीबों की कल्याण हेतु शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग में वो काम कर रहे हैं, तो स्मृति ईरानी भी इससे काफी सीख ले रही है। और केंद्र राज्य सहयोग पर आयोजित एक क्षेत्रीय बैठक में वो हिस्सा लेने का फैसला ले बैठी और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ एक प्रेसवार्ता में लोगों को मंत्रालय से जुड़े कार्यों को जानकारी देने का उन्होंने ऐलान किया। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा है महिला एवं विकास मंत्री के तौर पर, मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र राज्य सहयोग के लिए बैठक की बात हुई है। तो आपको बताना चाहेंगे 2.0 पोषण 2.0, जी हाँ, योगी 2.0 कैबिनेट बना, तो यहाँ पर पोषण 2.0 आंगनबाड़ी, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य शुरू किए करने का फैसला लिया गया है। और इसी पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर से लेकर लद्दाख के परामर्श के लिए पहली क्षेत्रीय बैठक आयोजक आयोजित करेगा, ये भी बताया जा रहा है। तमाम तरह के फैसले स्मृति अभी तक ले चुकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने स्मृति ईरानी के बारे में, उस तरह की रिपोर्ट जो आई होने लेकर वो क्या कहती है आप सबने जाना। फिलहाल दोस्तों वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का। बाकी तमाम ऐसी ही ट्रेंड की खबरों के लिए, देश दुनिया से राजनीति की आने वाली खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।